अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गोभी मंचूरिया, लेकिन मैं गोभी से नहीं बना रही हूँ, कैबेज से बना रही हूँ। कैबेज को अच्छे से बारीक से काट ली हूँ। मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ। एकदम बारीक से काटना है। कैबेज को डाल ली हूँ। फिर मैं डालूँगी रेड चिल्ली पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। रेड चिल्ली पाउडर, अदरक लहसुन डाला। मसाला 1 टेबल स्पून। फिर मैं डालूंगी साल्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। कॉर्नफ्लोर, मैदा, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अभी लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर ऑप्शनल है ये, आपको पसंद हो तो डाल लेना, वरना स्किप भी कर सकते हो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करना है। ज़्यादा पानी नहीं लगता क्योंकि कैबेज में वाटर रहता है ऑलरेडी। थोड़ा थोड़ा ही वाटर डालते रहना और मिक्स करते जाना इसको। एक टाइट डो की तरह बनाना है इसे। मैं कैबेज को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पूरे मसालों के साथ। अब देख सकते हो कितना टाइट डो है ये, कितना टाइट बना लूँ। इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट कर देती हूँ। 5 मिनट्स हो गया है। मैं भी कैबेज के बैटर को हाथ पे थोड़ा सा वाटर लगा ली हूँ। इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना के डीप फ्राई कर लेती हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं कैबेज के बैटर को डीप फ्राई कर लेती हूँ। याद रखना कि हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लेना हाथ पे। फ्लेम को मीडियम में रख लेना। आपको पसंद है तो आप इसी तरह से ही खा सकते हो। ऐसे भी खाने से बहुत टेस्ट रहते हैं। बस 2 मिनट्स के लिए हिलाना नहीं, इसको इसी तरह छोड़ दो। फ्लेम को हाई कर लेती हूँ मैं। हमारे कैबेज के बॉल्स क्रिस्पी होने तक इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे तो अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाते हैं, ये पक जाते हैं। हम फ्लेम हाई पे रखें तो जल्दी से ब्राउन कलर आ जाता है इस पे, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इवनिंग स्नैक के लिए कुछ भी हम पका सकते हो। सेम इसी तरह से आप गोभी को भी सेम काट
कट करके इसी तरह मेथड में बना सकते हो। मैं गोभी की जगह कैबेज को यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं कैबेज को यूज़ करती हूँ। कैबेज से गोभी मंचूरियन बहुत टेस्टी रहता है। अभी हमें इतना कलर बस, मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसी तरह मैं सारे कैबेज के बैटर को भी और डीप फ्राई कर लूँगी। इसी तरह मैं सारे कैबेज के बैटर को भी डीप फ्राई कर लेती हूँ। फिर हम गोभी मंचूरियन ग्रेवी बनाते हैं। गोभी मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए मैं कढ़ी रखती हूँ, इसमें डालूंगी ऑयल। अब मैं डालूंगी प्याज, बारीक से कट कर ली हूँ। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन मसाला 1 टीस्पून डाल ली हूँ। थोड़ा सा वाटर ऐड करती हूँ, हमारे मसाले जले ना। फिर मैं डालती हूँ साल्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, कम या ज़्यादा कर लेना। रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्टिंग साल्ट, टेस्टिंग साल्ट ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल लेना या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन डालने से एकदम स्ट्रीट स्टाइल में गोभी मंचूरियन बनता है, उसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। अभी फिर मैं डालती हूँ ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस ज़्यादा मत डालना। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं डालूँगी टमाटो केचप, थोड़ा सा टमाटो केचप बचा के रख ली हूँ लास्ट में डालने के लिए। अभी मैं डालती हूँ, डीप फ्राई कर ली हूँ गोभी कैबेज के बॉल्स को, इसी को मैं ऐड कर देती हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं डालती हूँ नेक्स्ट कॉर्नस्टार्च। कंपलसरी से आपको कॉर्नस्टार्च को ऐड करना है इसमें, इसी टाइम पे डालना है। गोभी मंचूरियन बनाना बहुत इजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से ही वो एकदम टेस्ट वैसे ही आता है। टू मिनट्स के लिए इसे पका लेते हैं। अभी मैं डालूंगी, थोड़ा सा मैं बचा के रख ली हूँ टमाटो केचप को, लास्ट में भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। टमाटो केचप बच्चों को बहुत पसंद आता है, टमाटो केचप डालने से ज़्यादा सा। हमारा गोभी मंचूरियन रेडी हो गया है, मैं इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेती हूँ।
हमारा गोभी मंचूरियन रेडी हो गया है। मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। इसको मैं फाइनली ऑनियंस के साथ गार्निश कर लेती हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल में दिखने के लिए। कैरेट, कोरिएंडर, जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं एकदम छट से बना सकते हो आप। कैबेज के बाल्स को पहले से ही बना के रखो और थोड़ी देर में हम ग्रेवी बना के बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, बाहर के खाने से भी घर पे खाना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।